तिलक मांझी विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाए जाने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई रोक को वापस लेते हुए अतिथि शिक्षकों को अध्यापन की अनुमति प्रदान करने की मांग को लेकर तिलक मांझी विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक संघ के सदस्यों ने संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में जाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देश पर कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार बंद किए जाने के पश्चात प्रदर्शनकारी अतिथि शिक्षक विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रवेश द्वार बंद किए जाने पर विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार के समक्ष सभी अतिथि शिक्षक शिक्षिका धरना पर बैठ गए। अतिथि शिक्षकों के धरना पर बैठने के उपरांत विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव डॉक्टर निरंजन यादव, कुल अनुशासन प्रोफेसर रतन मंडल तथा छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह एवं अध्यापन हेतु अनुमति प्रदान किए जाने से संबंधित अधिसूचना जारी करने की बात कहने के उपरांत अतिथि शिक्षक संघ ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में अतिथि शिक्षक एवं शिक्षिका मौजूद रहे। का फायदा उठाया जा रहा है, परमानेंट बहाली होती है, 17 बैच आया तो पुराने वालों को फिर से इंटरव्यू होने लगा कि वो लोग जहां कार्यरत है अपना कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम लोग किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं और हम लोग यहां आज इस स्थिति में खड़े हैं कि हमारे साथ हमारी कक्षा को रोक दिया गया है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि जो हम लोगों को कार्य बाधित किया गया है वो कार्य फिर से हमारा स्टार्ट किया जाए। यदि इसमें किसी तरह की देरी होगी तो आज हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है और हमारे मान प्रतिष्ठा सब पर आंच आई है। तो आज हम लोग हद को गुजरने के लिए तैयार हैं। इसलिए कुलपति मैम से यही हमारी विनती है कि वो हमारे जो कक्षा लेने का कार्य को बंद करवाई है, रोक दी है, उसको फिर से स्टार्ट करवाएं और ये जो इंटरव्यू का जो लेटर निकाली है उसका हमें नोटिस दिखाएं। लिखित पर जब काम होता है तो ये भरवली यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। हम लोग भी लिखित चाहते हैं, हम लोगों को भी कागज दिया जाए। किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई आदेश नहीं आया है तो तिलका मांझी क्या सबसे सुपर है? इसे अपना औकात दिखा करके रहेंगे हम लोग। धन्यवाद। मैं रितु कुमारी, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, मारवाड़ी कॉलेज। यहाँ विश्वविद्यालय में हम लगभग 125 अतिथि शिक्षक विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों तथा स्नातकोत्तर विभागों में गत 2.5 वर्ष 3 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हमारे लगातार कार्य करते रहने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बगैर किसी कारण के राज्य सरकार के एक पत्र का हवाला देते हुए, जिसमें कहीं से भी अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाने की बात नहीं की गई है, उसका हवाला देते हुए हमें कार्य से वंचित कर दिया गया है, हमारी सेवा को अवरुद्ध कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन से हम अपनी सेवा को जारी करने की मांग को लेकर के लगातार उनके समक्ष गुहार लगा रहे हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों को लगातार अनसुना करती जा रही है। कुलपति ने आश्वासन दिया था गत दिनों कुलपति महोदया के द्वारा, जब हमने बतलाया था कि दूसरे विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की कक्षा जारी है, तो उनके द्वारा कहा गया था कि उसका उदाहरण देते हुए आप आवेदन दे। मैंने आवेदन दिया था और आवेदन देने के बाद जब कल विश्वविद्यालय कुल सचिव से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि अभी आप लोगों की सेवा बाधित रहेगी, आप लोगों की जो ये रेन्युअल की प्रक्रिया है यह पूरी होने के बाद ही आप लोगों को आदेश दिया जा सकता। क्या लगता है कुलपति के आदेश का मजाक उड़ाया जा रहा है? अब इसमें कुलपति के आदेश का मजाक उड़ाया जा रहा है या कुलपति खुद हम लोगों के साथ तानाशाही कर रही है, वो तो विश्वविद्यालय प्रशासन जाने, कुल सचिव जाने और कुलपति जाने। आगे क्या कहेंगे? हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मैं डॉक्टर आनंद आजाद, R9 भारत के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट, भागलपुर। बैरिया प्रखंड क्षेत्र के श्रीनगर पुजाहा क्षेत्र अंतर्गत बगम्बरपुर गांव में तुराहा टोली वार्ड संख्या 1 में एक नवविवाहिता की हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। इस बात पर लड़की के पिता धना थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव निवासी स्वामीनाथ शाह ने श्रीनगर पुजाहा थाने में आवेदन देकर पुलिस को बताया कि मेरी लड़की डेजी कुमारी की शादी 2 वर्ष पूर्व हिंदी रीति रिवाज के साथ राजन शाह पिता शंभू शाह के साथ हुई थी, जिसे दहेज के लोभियों शंभू शाह, राजन शाह, शंभू शाह की पत्नी प्रभु शाह, मनोहर शाह ने मिलकर कल देर शाम हत्या कर दी और शव को गायब कर दिया। उसके बाद मुझे सूचना मिली तो मैं आज सुबह यहाँ पहुँचा तो ये लोग घर छोड़कर फरार हैं, जिसका आवेदन श्रीनगर पुजाहा थाने में दिया गया है। थाना अध्यक्ष निर्भय कुमार राय ने बताया कि सुबह से सूचना मिली है कि बागम्बरपुर गांव के तुराहा टोली में एक लड़की को हत्या कर देने की सूचना मिलते ही पुलिस को भेजा गया, तब तक सभी आरोपी घर छोड़कर फरार थे। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। R9 भारत के लिए मक्खन कुमार की रिपोर्ट, नौतन विधानसभा।
पश्चिम चंपारण के बैरिया थाना क्षेत्र के बलुआ रामपुरवा गांव में वार्ड संख्या 18 में मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। इस बात पर मोहन महतो ने बैरिया थाना में आवेदन देकर बताया कि मैं अपने दरवाजे पर बैठा था, तभी तोड़फोड़ की आवाज सुनाई दी। जब मैं वहां जाकर देखा तो लाठी डंडों से लैस होकर शत्रुघ्न मुखिया, चंदन मुखिया, ब्रज मुखिया सहित सभी के द्वार तोड़फोड़ किए जा रहे हैं। उनमें से इस बात को लेकर मना किया गया तो कृष्ण मुखिया गाली गलौज करने लगे, तभी जान से मारने की नीयत से फरसा से मारा गया, जिससे मेरा सर फट गया और मैं लहूलुहान होकर गिर गया। सभी मुझे बचाने दौड़े। प्रेम शाह, महादेव शाह व जितेंद्र शाह को भी गाली गलौज कर मारपीट कर उनसे भी की गई, तथा जितेंद्र शाह के घर से एक भर का सोने की चेन छीन ली गई, जिसकी कीमत लगभग 35,000 है। शत्रुघ्न मुखिया ने छीन लिया, वही पॉकेट से 1,000 रुपए तथा छीन कर चंदन मुखिया भाग गए। मेरी बहू सुशीला देवी, गिरजा देवी को कृष्ण मुखिया भद्दी गाली देने लगा तथा कान की बाली खींच लिया, वही गलत नियत से उसके कपड़े भी फाड़ दिए। गांव वालों और मेरे पुत्र पहुंचे तो सभी फरार हो गए। इलाज के लिए सदर अस्पताल बेतिया भेजा गया, जहां मेरे सर में टांका लगा है और उपचार जारी है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष दुष्यंत कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन मिला है और जांच की जा रही है। बताइए क्या गाय मरले, गाय का मरले वालो घर तुर ले वालो, पेटी उठा ले गइल वालो, मुर्गा मुर्गी उठा ले गइल वालो, आई घर नोचले वालो, लीची का गाछ कट ले वालो, ओने करी केरा कट ले वालो, हम घर में ढूक के बकरी उकरी सब ले गइल वालो, ट्रक पेटी रख गहना ले गइल वालो, लॉकेट ले गइल वालो, बार भर के उनका पायल रख सिकड़ी रख सब लूट पाट कर ले वालो, वियोग बड़न, लालमोहन बड़न, शत्रुघ्न बड़न, रामायण बड़न, कृष्णा बड़न, आई छोटू के का ना हो चंदन बड़न, लूटपाट कैले बालो, हाय सुख हमनी के मरले बालो, आ मार उर के पटवा दल बालो, लोग रहे हमनी के केहू अथी करो, आय 50 आदमी रहे, लाइन के तार काट दल बालो, एगो बूढ़ फुआ बाड़ी उनका भी मरले बालो, बूढ़ ससुर बनी वहाँ के भी जाके घर में मरले बालो, कॉल भी काट के ले गई बालू, बर्तन भी फोड़ दे बालू, उस सब न करी हुई। इसकी सूचना आप लोग थाना में दिए हैं? हाँ दिया है सूचना थाना में। थाना हाँ, हाँ, सब थाना थाना गाड़ी हाँ रात आई रहूँगा सब देख ला बनी लो। क्या बोल के गए लोग? बोल के गए सब कोई के अपना गार्जियन को थाना पर भेजी, हम कहूँ जब बस नही लो कहीं गई बनी लो, सब लोग मरले बात भागल बनी लो, कहाँ बनी लो कहाँ, हम तो ना देखनी हो। क्या नाम है आपका? सुशीला। घर? बलवरमपुरवा। थाना? बैरिया। 50 आदमी आई रहे, हमारे लीची कटले बा, केरा कटले बा, तलवार गासी फरसा लेके 50 आदमी आके द्वार पर रोक के रुक के पूरा ही काम कराइले बालो, हमारा घर केहू ना रहुए, बस हमनी के दूध या दिन बनी सन आ दूध या दिन के हाय सुख खोजत रहुए, लोग पूरा लोग मारे खतरा, तो हमनी के जाके अलग झमड़ा में लुका गई बनी सन, हरा हरा पेड़ काटल बा, केरा लीची पूरा हरा हरा पेड़ काटल बा, हमनी और कोई हमनी में कोई सहारा नहीं खे। कानून से मदद नहीं मिलता आपको? 8 बजे फोन, 8:30 में फोन कर 12 बजे कानून आयल बाटे, 12 बजे थाना परवाज के आई रहूंगा, तो फट गई बा हमरा के घर में से घिंच के लाठी का हुरा से मरले वालू, लाठी से मरले वाला सन है पर है सब फुल गई बा, हम ना निकलत रहनी घर में से, तो घर में से हमरा के घिंच के ललन सन आ घिंच के तब हमरा के मरलो सन है तो रात ची आ गई बा, घर में हौसली रल खतौन घिंच ललन सन हमरा के घिंच के घर में से मरलन सन, ठीक है ना आपका? सॉरी देवी। क्या क्या हुआ है आपके साथ? हम है तो लड़का रह लो दू गो बच्चा, वो जहाँ हम खड़ा रहनी कहनी जे केहू गौर दिया नहीं के केहू न तर गोजी चलाऊ, तो हमरा ऊपर गोजी चल गई बा, हमरा बेटा का ऊपर गोजी चला दे बाद में के चल लगे आ उनकर बेटा मगर के काय के लिए मसत चला लो पांच जन रह लो उनकर बेटा काय खतरा हे जल्ला तू चलाऊ तो रह लो काय खतरा उ लड़का सुतर रहला सो गाड़ी गोरवा जो अपने मने गाड़ी देते रहे लो गाड़ी देते रहे लो के पूछबो ना कल तरह लाठी फाटा लेके चली आई लो चलाओ खाती और सामान भी चोरी हुआ है हाँ घर में पेटी ओटी मुर्गी रही है सब मुर्गा रहा सब खा ले सब
गाना भी चोरी हो गई, पेटी चोरा ले गई, बर्तन भरिया सब कुछ कर दो, दू गो फोसी रला सब चोरा ले गई, गाछ काट दो लीची के। R9 भारत के लिए जय किशोर शर्मा की रिपोर्ट, बेतिया।